हेलो वेलकम बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई बहुत बढ़िया हो, बहुत अच्छे हो, बहुत मजेदार। आपकी पढ़ाई जो है वो अच्छे से चल रही है और चलनी ही चाहिए, आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, है ना? तो चलो, आज का जो हम लोग का लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर लेके आए, दैट इज चैप्टर नंबर 18, ऑब्जर्विंग स्पेस टेलीस्कोप। हम लोग स्पेस टेलीस्कोप को ऑब्जर्व करने वाले हैं। ये वाले चैप्टर जो है इस ऑब्जर्विंग स्पेस दैट इज टेलीस्कोप के बारे में। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि हम लोगों का जो साइंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी है बहुत आगे बढ़ चुकी है, राइट? तो इसके लिए ना हम लोगों को ना इनके बारे में थोड़ा नॉलेज रहना ही चाहिए ये क्लास में। वैसे हम लोग जैसे जैसे नेक्स्ट क्लास में, हायर क्लास में जाएंगे, हम लोगों को नॉलेज तो बढ़ते जाएगा इसके रिलेटेड, अगर हम लोग का इंटरेस्ट है तो। नहीं तो हम लोग को फिलहाल अभी तक क्लास 9th में थोड़ा सा हम लोगों को नॉलेज अपने स्पेस के बारे में होना चाहिए। तो लेट अस बिगिन एवरीवन, ओके? तो सब लोगों को अपना पेन पेंसिल नोटबुक सब लेके रेडी हो जाना है, वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको एक एक कंसेप्ट दिया जाएगा, ओके? सो वेलकम एवरीवन टू वंडरफुल चैनल द SM एकेडमी, लेट अस बिगिन, ओके? तो ये जो चैप्टर है देखो, स्पेस टेक्नोलॉजी, या तो हम लोग बोल सकते हैं ऑब्जर्विंग स्पेस, इसके अंदर ना हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। और स्पेस टेक्नोलॉजी में ना हम लोग टेलीस्कोप को डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज टेलीस्कोप, इसका यूज क्या होता है, इसका क्या कंट्रीब्यूशन है इन दी वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, सारे चीज हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब इनिशियल कंडीशन था, इनिशियल टाइम था, बहुत पहले की बात थी, तो क्या होता था उस टाइम पे जो ह्यूमन बीइंग थे ना, उन लोग स्काई को ऑब्जर्व करते थे, उन लोगों को स्टार्स दिखाई देते थे, राइट? बहुत सारी चीजें दिखाई देते, मून दिखाई देता था, डे एंड नाइट होता था। तो ये सारे जो चीजें होती थी ना, ये ना चीजें इंसान के जीवन में जो भी प्रोसेस चलता है डेली, डे टू डे लाइफ, इससे ना जुड़ी हुई होती थी। तो उन लोग ये देखते थे कि यस, जैसे यहां पे देखो, अकरेंस ऑफ सीजन, राइट? तो उन लोग देखते थे कि स्टार और जो मून होता है उनका जो डायरेक्शन होता है, उनका जो मोशन होता है, वो अभी कहाँ पे प्रेजेंट है, परसों कहाँ पे प्रेजेंट है, ये सारे चीजें से ना उन लोगों को सीजन के बारे में पता चलता था कि कौन सा सीजन आने वाला है, उन लोगों को ना टाइम पीरियड के बारे में पता चलता था। तो ना इन लोगों को इतना क्यूरियोसिटी थी, इन लोग इतने क्यूरियस हो चुके थे कि हम लोग और भी डिटेल में इस चीज को समझने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि इनसे ना हम लोगों का बहुत सारा काम हो रहा है, हम लोग को सीजन के बारे में पता चल रहा है, हम लोग को डे एंड नाइट के बारे में पता चल रहा है, हम लोग को डेट के बारे में पता चल रहा है, हम लोग को टाइम के बारे में पता चल रहा है। तो इन लोगों को ना क्यूरियोसिटी हो गई। और ना दूसरा चीज क्या था, एग्रीकल्चर वॉज द वेरी बैकबोन। तो एग्रीकल्चर जो था ना, वो एग्रीकल्चर भी डिपेंड होता था कि कौन सा मौसम चल रहा है। तो जैसे गर्मी का टाइम है तो हम लोग वही वाले क्रॉप्स को उगाएंगे जो कि समर सीजन में उगता है, रेनी का टाइम है तो हम लोग वही वाले क्रॉप उगाएंगे जो ज्यादा पानी यूज करता है, राइट? तो एग्रीकल्चर भी पूरी तरीके से ना स्काई के ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड था। तो इंसान जो था ना उस टाइम पे इतना ज्यादा क्यूरियस था कि अगर हम लोगों को और डिटेल मिल जाए तो हम लोगों का जो लाइफ होगा वो और आसान बन जाएगा। तो यही स्टडीज को आगे बढ़ाने के लिए ना बहुत सारे रिसर्च किए गए, बहुत सारी चीजें आई, और हम लोग ने स्पेस और साइंस टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ावा दिया। और फिर हम लोगों ने एक से एक बढ़ के हम लोग ने नई नई खोज की, जिससे हम लोग ने जो स्काई का ऑब्जर्वेशन है, जो स्पेस का ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन करना पॉसिबल कर लिया था, राइट? तो देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं। तो जो स्काई का ऑब्जर्वेशन था उससे हम लोग को सीजन्स के अक्रेंस के बारे में पता चलता था, एग्रीकल्चर के बारे में पता चलता था, नेविगेशन एंड कॉन्स्टिलेशन, ये कॉन्स्टिलेशन जो होते हैं जो हम लोगों को आसमान में अलग अलग शेप में दिखाई देते हैं, नक्षत्र बोलते हैं। तो ये सारे जो चीज़ें थी ना, ये सारे चीज़ें ना ह्यूमन लाइफ को आसान बनाती थी, राइट? तो इसके लिए हम लोग इतने क्यूरियस थे वो टाइम पे कि हम लोग को जानना था कि जो हमारा स्पेस है, जो हमारा स्काई है, जो स्टार्स है, सन है, ये क्या चीज़ है और कैसे हमारी मदद कर रहे हैं हमारे लाइफ को आसान बनाने के लिए। इवन नेविगेशन वॉज दी इम्पॉर्टेंट थिंग, स्टार्स के पोजिशन, मून के पोजिशन और कॉन्स्टिलेशन को देख के पता किया जाता है। नेविगेशन जब हम लोग समुद्र में जाते थे तो रास्ता पता किया जाता है, एंड मेनी मोर थिंग वॉज देयर, राइट? तो सारे के सारे चीज़ों के लिए जो ह्यूमन बीइंग है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे थे, दे वर डिपेंडिंग ऑन दी स्कार्स एंड स्काइस ऑब्जर्वेशन, मून ऑब्जर्वेशन एंड मेनी मोर थिंग। तो इसको पास में से अगर हम लोग ऑब्जर्व किए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हम लोग को बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी, हम लोग का लाइफ जो है वो और आसान हो जाएगा। तो ये चीज़ करने के लिए ना एक नया साइंटिस्ट आया था, गैलीलियो। तो उन्होंने ना स्काई को, स्काई में होने वाले अलग अलग चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को ना देखने के लिए एक डिस्कवरी की थी, एंड दैट डिस्कवरी वॉज कॉल्ड एज टेलीस्कोप। तो ये चैप्टर में हम लोग क्या स्टडी करने वाले, ये चैप्टर में हम लोग टेलीस्कोप को स्टडी करने वाले। तो सी गैलीलियो, ही वॉज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड ए टेलीस्कोप 400 ईयर एगो।
सो 400 ईयर एगो गैलीलियो डिस्कवर्ड ए टेलीस्कोप, उन्होंने एक टेलीस्कोप बनाया, इट वॉज एन इंस्ट्रूमेंट विच वॉज यूज टू ऑब्जर्व द स्काई, विच वॉज यूज टू ऑब्जर्व द वी कैन से ऑब्जेक्ट इन द स्काई, जैसे स्टार हो गए, मून हो गए, और भी जितने सारे ऑब्जेक्ट्स होते थे, सन होते थे, ये सारे प्लैनेट्स को, सारे ऑब्जेक्ट्स को, सारे सेलेस्टियल बॉडी को स्टडी करने में मदद करता था क्या, टेलीस्कोप। तो यहाँ पे देखो आप देख सकते हैं, इट वॉज द फर्स्ट टेलीस्कोप विच वॉज डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो अराउंड 1609 में इन्होंने ये टेलीस्कोप की डिस्कवरी की थी, दिस इज कॉल्ड एज गैलीलियन टेलीस्कोप, राइट। तो इस टेलीस्कोप की मदद से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल किया था। तो जब 400 साल पहले गैलीलियो आया तो उन्होंने सोचा कि देयर शुड बी प्रोग्रेस इन स्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी, राइट, क्योंकि स्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी जो है उनको पता था कि ये ना बहुत सारे रिसर्च प्रोग्राम में, बहुत सारे हम बोल सकते हैं रिसर्च के बाद हम लोगों का जो लाइफ है वो आसान करने में मददगार साबित हो सकता है, इसके लिए उन्होंने ना इस फील्ड में ज़्यादा रुचि दिखाया और उन्होंने एक टेलीस्कोप की डिस्कवरी की, सो दैट हम लोग ये सारे चीज़ों को बहुत पास में से देख सकते हैं, बहुत अच्छे से देख सकते हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अराउंड 1609 ही डिस्कवर्ड टेलीस्कोप, एंड विद द डिस्कवरी ऑफ दिस टेलीस्कोप ये इतना आसान हो गया सेलेस्टियल बॉडीज को देखना, स्काई को ऑब्जर्व करना, स्टार को स्टडी करना, मून को स्टडी करना उन्होंने पॉसिबल कर दिया। एंड अप्रॉक्सीमेटली अराउंड दैट टाइम ओनली उन्होंने बहुत सारे डिस्कवरी किया, उन्होंने बहुत सारे नए स्टार्स की खोज की, उन्होंने मून भी खोज किया, उन्होंने पता लगाया कि जुपिटर जो प्लैनेट है उसके पास बहुत सारे मून्स भी होते हैं। तो इन्होंने ना ऐसे टेलीस्कोप 1609 में डिस्कवर करने के बाद इस तरीके से बहुत सारे डिस्कवरी उन्होंने इन द फील्ड ऑफ स्पेस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कर दिया, जिसकी वजह से एक हम बोल सकते हैं फाउंडेशन डेवलप हो गया और आने वाले पीढ़ी के अंदर और क्यूरियोसिटी डेवलप हो गया कि यस हम लोगों को भी स्पेस और साइंस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ना चाहिए, हम लोगों को भी नए नए रिसर्च करना चाहिए, हम लोगों को भी नए नए चीज़ों की खोज करना चाहिए, जिसकी वजह से जो हमारा लाइफ है वो और आसान हो सकता है। और आफ्टर 400 ईयर्स हम लोग आज की बात करें तो वी आर सो मच अहेड इन स्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी कि वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजी विच टोटली डिपेंड्स अपॉन स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज हमारे पास GPS टेक्नोलॉजी का हम बोल सकते हैं सुविधा है, जिसकी मदद से हम लोग हर एक रास्ते को देख सकते हैं, हम लोग कहाँ पे हैं सारे चीज़ हम लोकेट कर सकते हैं, यानी कि लोकेशन की मदद कर रहा है। फिर हमारे पास ऐसे ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल कैलामिटीज़, एजुकेशन सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर एंड मेनी मोर, बहुत सारी चीज़ों में हमारे लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो रहा है। तो दिस वॉज ओनली ड्यू टू द फर्स्ट स्टेप विच वॉज टेकन बाय गैलीलियो इन द स्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी, उन्होंने सबसे पहला टेलीस्कोप बनाया था। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है, इस लेक्चर में ना हम लोग ना डिस्कस करने वाले हैं वो अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, और उसके अंदर हम लोग बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे टेलीस्कोप को, किसको स्टडी करेंगे टेलीस्कोप को, ठीक है। उससे पहले हम लोग कुछ चीज़ें स्टडी करेंगे लाइट के बारे में, क्योंकि हम लोग टेलीस्कोप में से वो जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, स्टार को देख रहे हैं, सन को देख रहे हैं, मून को, ये इस वजह से दिख रहा है क्योंकि उनसे ना हमारे आंखों में लाइट आ रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा लाइट को भी समझ लेते हैं, लाइट क्या होता है। देखो लाइट जो होता है ना डिफरेंट फॉर्म में होता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइट। लाइट दो तरीके से हमारे नेचर में एग्जिस्ट करता है, अगर आप हायर क्लासेस में जाओगे तो और भी डिटेल में आप स्टडी करोगे, बहुत सारे टाइप्स के लाइट होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, अभी हम लोग दो के ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो देखो लाइट सबसे पहले इट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ रे, लाइट है ना रे के फॉर्म में ट्रैवल करता है। दूसरा इट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ध्यान से देखो इट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और दूसरा क्या था इट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ रे, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू फोकस इज लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये दोनों फॉर्म्स में क्या डिफरेंस है, तो देखो जब हम लोग कोई सोर्स कंसिडर कर लेते, जैसे आपके पास एक सन का सोर्स है, ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ कि इसके अंदर से जो लाइट आ रहा है वो लाइट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो हम लोग कभी कभी मान लेते हैं लाइट ऐसे चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, करेक्ट। तो ये वाले जो चीज़ें हैं ना इसको हम लोग रेज बोलते हैं। तो हम लोग ने इसका मतलब है कि स्टडी किया है कि लाइट जो होता है वो रेज के फॉर्म में होता है, लाइट किसके फॉर्म में होता है, रेज के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक यहाँ पर टॉर्च है, ठीक है, टॉर्च है, तो इसके अंदर से जो हमारे पास लाइट्स आ रही हैं, तो ये लाइट जो आती है आगे की तरफ बढ़ता है, अगेन इसको हम लोग ये मानते हैं कि ये रेज है, और ऐसे बहुत सारे रेज होते हैं ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ रेज को हम लोग क्या बोलते हैं, बीम्स बोलते हैं। तो बंडल ऑफ रेज
ये लाइट की रेज है, इसको क्या बोला जाता है, बीम बोला जाता है, इज कॉल्ड बीम। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि लाइट रेज के फॉर्म में होता है, लाइट स्ट्रेट ट्रैवल करता है, राइट। और दूसरा एक फॉर्म होता है लाइट का, दैट इज वेव। तो जब भी इन लाइट को एक पॉइंट पे फोकस करना होता है, एक पॉइंट पे पहुंचना होता है, इट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ रे। लेकिन अगर लाइट को फैलना होता है ना, तो इट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ना, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं एक कैंडल है, तो इसके अंदर से जो लाइट निकलेगा वो लाइट ना रे के फॉर्म में नहीं, अभी हम लोग समझ रहे वेव के। तो ये लाइट इस तरीके से निकलेगा और ये आगे की तरफ बढ़ते जाएगा। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये टॉप व्यू है, अगर इसको साइड से देखोगे ना, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है यानी कि लाइट है, ये लाइट आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ये तो इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। जब लाइट को साइड से देखोगे आप तो इस तरीके का नजर आएगा, जब लाइट को टॉप से देखोगे तो इस तरीके, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। तो लाइट या तो फिर रे के फॉर्म में हो सकता है, या तो फिर लाइट जो होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में हो सकता है, राइट। तो ये चीजें हम लोग ने खोज की थी, बट हम लोग आज ये कंसिडर करते हैं कि लाइट जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होता है, लाइट रे के भी फॉर्म में होता है, बट मोस्टली लाइट इज कंसिडर्ड टू बी एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, अब देखो इसके अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ जाते हैं, एक होता है वेवलेंथ और एक होता है फ्रीक्वेंसी, व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं तो दो चीज हमारे पास आ जाती है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या है। ओके, तो देखो एक ये देखो इसको हम लोग वेव्स बोलते हैं। ओके, तो यहां से स्टार्ट हुआ, एक वेव चलता और यहां पे खत्म हो गया, राइट। एक वेव यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे खत्म हुआ, तो ये जो डिस्टेंस आपके पास आया है, ये वाला डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, वेवलेंथ, क्लियर। एक वेव की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। देखो यहां से लेके यहां तक की दूरी को भी आप वेवलेंथ बोल सकते हो। ये देखो यहां से लेके ये वाले दूरी को भी आप क्या बोल सकते हो, वेवलेंथ बोल सकते हो। ये इसको भी आप वेवलेंथ बोल सकते हो। तो वेवलेंथ का मतलब होता है एक वेव के बीच में क्या दूरी है, एक वेव के बीच में क्या दूरी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। अब दूसरी चीज क्या है, फ्रीक्वेंसी। दूसरी चीज क्या है, फ्रीक्वेंसी। यहां पे इसको मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। ये जो है कंसेप्ट, ये कंसेप्ट पूरा वेवलेंथ के ऊपर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है, देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है अगर आपके पास एक वेव है और इस वेव में जो वेव बन रहा है, ये मान लेते हैं ऐसे बन रहा है, ओके, यहां से स्टार्ट होता है, यहां पे टाइम आपका होता है 0 सेकंड और यहां पे पहुंचता है और 1 सेकंड हो जाता है। तो 1 सेकंड में आपको गिनना है कितना वेव बना है। तो देखो 1 सेकंड में अगर आप देखोगे तो 1 सेकंड में आप देख सकते हो, यहां से एक वेव बना, एक वेव, फिर ये दूसरा वेव, ये तीसरा वेव, ये फोर्थ वेव, ये फिफ्थ वेव और ये आधा वेव, तो 5.5। तो मैं बोलूंगा इस वेव की फ्रीक्वेंसी है 5.5 हर्ट्ज। तो 1 सेकंड में कितना वेव बन रहा है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, उस चीज को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। एक वेव का लेंथ कितना है, उसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। 1 सेकंड में कितना वेव बन रहा है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी कंसेप्ट जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने एक यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाया है, जो स्पेक्ट्रम हम लोग को हमारे नेचर में जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके बारे में बताता है। तो देखो यहाँ पे हमारे नेचर में ना बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हम लोग ने इसको क्लासीफाई किया डिपेंडिंग अपॉन द वेवलेंथ। मैंने आपको वेवलेंथ बता दिया, एक वेव का जो लेंथ होता है दैट इज वेवलेंथ, एक वेव का जो लेंथ होता है दैट इज वेवलेंथ। तो डिपेंडिंग अपॉन द वेवलेंथ हमारे पास ना बहुत सारे टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, तो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है, अगर 1 नैनोमीटर कहीं पे दिख रहा है तो उसका मतलब होता है 10^-9 मीटर, बहुत छोटा। अगर 1 पिकोमीटर दिख रहा है तो 10^-12 मीटर होता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, देखो। तो अगर हम लोगों का वेवलेंथ ग्रेटर देन 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर से बड़ा है, वेवलेंथ क्या होता है, देखो यहाँ पे ये एक वेव है, ये देखो ये वेवलेंथ, इसको वेवलेंथ बोलते हैं। अगर ये वाला लेंथ 20 सेंटीमीटर से बड़ा है तो ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो वेव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियो वेव्स, ओके। चलो उसके बाद अब थोड़ा सा छोटा कर देना है। अब देखो 0.3 mm से 20 सेंटीमीटर थोड़ा सा छोटा हो गया,
देखो ये छोटा हो गया उससे, अगर इस वेव का वेवलेंथ ये वाला दूरी अगर ये 0.3 mm से 20 सेंटीमीटर के बीच में लाई करता है, तो इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम हम लोग क्या रख देंगे, माइक्रोवेव रख देंगे, क्या रख देंगे, माइक्रोवेव। आगे बढ़ते और छोटा कर लेते हैं, अब देखो अब हमारा जो वेव है और छोटा हो जाएगा, ये वेवलेंथ मैंने और छोटा कर दिया, देखो इसको एक वेव बोलते हैं, इसको एक वेव बोलते, ये दूरी को वेवलेंथ बोलेंगे। अगर ये वेवलेंथ 800 नैनोमीटर से लेके 0.3 mm के बीच में होगा, तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मैं क्या बोलूंगा, इंफ्रारेड वेव्स बोलूंगा। स्टार्टिंग से देखो रेडियो वेव सबसे ज्यादा वेवलेंथ, अब धीरे धीरे कम हो रहा है वेवलेंथ, राइट, ओके आगे बढ़ते हैं। अब इससे भी कम कर दो, अब आपका वेवलेंथ और भी कम हो गया, देखो उससे भी छोटा कर दिया मैंने, तो ये जो एक वेव है ये एक वेव, अगर इसका लेंथ 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर, नैनोमीटर 10^-9 आंखों से दिखेगा भी नहीं, बहुत छोटा, राइट, अगर कम हो इस रेंज में आता है तो इसको हम लोग विजिबल लाइट बोलते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है इट इज सेंसिबल टू द सेल ऑफ आवर आइज, हमारे रेटिना को सेंसिबल होता है, तो इस पर्टिकुलर रेंज के वेवलेंथ को हम लोगों की आंखें देख सकती है। फिर से ये रेंज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग देख सकते हैं, तो जो 400 होता है ये हमारा वॉयलेट कलर के लिए होता है, और जो 800 के आसपास होता है ये रेड कलर के, तो हम लोग वॉयलेट से लेके विवग्योर, आपको पता वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो इस रेंज के सारे लाइट के कलर को हम लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर उससे और कम हो गया, जैसे 300 पिकोमीटर टू 400 पिकोमीटर जिसको अल्ट्रावायलेट रेज, इससे भी छोटा हो गया, और छोटा एक्सरे 3 पिकोमीटर टू 300 पिकोमीटर, और छोटा गामा रेज लेस देन 3 पिकोमीटर, अगर ये हो गया और उससे बड़ा हो गया, देखो 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर, इससे कम हो गया या इससे बड़ा वेवलेंथ हो गया तो हमारी आंखों को वो दिखाई नहीं देता है। तो ये वाला जो है 400 टू 800 ये हमारी आंखों को दिखाई देता है, इसके लिए ये वाला जो वेवलेंथ है ये हमारे लिए खास है, इसके लिए हम लोग ने इसका नाम रखा है विजिबल लाइट रेज, ये हम लोग को विजिबल होता है। दिस वेवलेंथ आर सेंसिबल टू आवर रेटिना, इसके लिए हम लोग इसको देख सकते हैं। तो दिस आर दी कंसेप्ट अबाउट दी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइट। तो ये जो लाइट आ रहा है स्टार से, सन से, मून से, जो हम लोग को दिखाई देता है, ये सारे के पीछे जो चीजें होती है, एंड दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशंस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मदद से हम लोग को ये सारी चीजें दिखाई देती है। ओके क्लियर है, तो आई होप सब लोग को बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ में आया। टिल देन आपको स्टडी करना है, ये नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड भी कर लो, अच्छे से नोट्स बना लो, अच्छे से स्टडी करो हमारे साथ, इसी तरीके से जुड़े रहो। वीडियो पसंद आया तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना है, अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको भी खुद सब्सक्राइब करना है। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक है जो व्हाट्सएप के, टेलीग्राम के, उसमें भी आपको जुड़ जाना है हमारे साथ, और हमारे साथ इसी तरीके से अपने एजुकेशन को आगे की तरफ बढ़ाते रहना। हैव ए वंडरफुल जर्नी, हैव ए वंडरफुल लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।